जरा सही से पकड़िए। या अल्लाह, ये क्या वहां झंडा लेने गए हैं? हाथ ऊपर, नीचे, नीचे, नीचे। माफ कर दीजिए जनाब। क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है? आतंकवादी? मैं कसम करता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। माफ कर दो जनाब, माफ कर दो, माफ कर दो। जनाब, उसे मत मारिए। हम यहीं के रहने वाले, खुदा जानता है। वो बस झंडा लेने की कोशिश कर रहा है। खुदा जानता है। रुकिए, मैं समझाती हूँ। ये मेरा बेटा है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या आप हमें वो झंडा लौटा सकते हैं? वो मेरे शौहर का है। जंग में दुश्मनों को मारने के लिए इनाम में दिया गया था। क्या आप हमें वो दे सकते हैं? खुदा के लिए आप हमें वो दे दीजिए। यार, अगर जंग हुई तो क्या होगा यार? तो क्या, हम दुनिया के पहले सिपाही होंगे जो इतनी ऊंची चोटी पर लड़कर जंग जीतेंगे। फिर क्या, मैं तो टाइगर हिल्स में मुशर्रफ के गांव पे बैठकर चाय पीऊंगा। Come on.
अरे वो छोटा बच्चा हमारा दुश्मन है, और ये तुम्हें पता है? क्या तुम उसे ये झंडा सच में वापस करने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करता अगर तुम उसकी जगह पे होते? He might have probably farted on you. मैं एक गलत दसूं तुझे, मैं एक आदमी को मेरे बचपन से जानता हूँ जिसने सन 72 के जंग में अपने पैर और सारे हथियार खो दिए थे। और तुम्हें पता है कि जब वो एक पाकिस्तानी सैनिक के सामने आया तो क्या हुआ? उसने उसको नहीं मारा, और उसकी वजह से मैं अपने पापा जी को जिंदा देख सका। झंडा लौटा सकते हो जो कल आपके पास रह गया था? वो हमारे अब्बू की आखिरी निशानी है। क्या आप हमारे झंडे में हिंदुस्तानी मिट्टी मिला रहे हैं? ये धरती और ये मिट्टी भगवान ने हमें दी है जीने के लिए, ना कि लड़ने के लिए। कहीं नहीं अम्मी,